students, first you write the formula, simple interest is equals to P into R into T upon 100. Then we substitute all the values we here. That is, principal is given 5040, then multiply rate is 9, then multiply time is 7 months. You convert it into years, that is 7 upon 12. And rate is 9%, so you write 9 upon 100. Now you cancel this 0 with this 0, then you cancel these two terms, that is 2 6 are 12 and 2 2s are 4, 2 5s are 10, then 2 2s are 4. Again, cut with this 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 2, 1s are 2, 2s are 4 and 2 6s are 12. Then cancel with the table of 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9. And then you multiply all this term and you get the answer of this. Clear? Now the next one, E part, you see. ई पार्ट में क्या करना है बच्चों, प्रिंसिपल इज गिवन, रेट इज गिवन, टाइम टाइम इज गिवन इन डेज, डेज में दे रखा है आपको. तो फर्स्ट यू कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स. आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको ईयर में चेंज करना पड़ेगा. तो आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 365. क्लियर? तो अब आपको ये क्लियर हो गया, अब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे बाद में होमवर्क में. नाउ टू सी द सेकंड क्वेश्चन. अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. ई पार्ट आपको खुद को करना है. Now you see the second question. In question number 2, find the amount. हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, इसमें अमाउंट कैलकुलेट करना है. तो अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नाउ ऑल ऑफ यू सी. हियर गिवन दैट इज पी इज इक्वल्स टू रुपीज 800. मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व करके दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स आपको. इसका बी पार्ट दैट इज पी इज इक्वल्स टू रुपीज 2490 and rate is equals to 5% per annum and time is equals to 3 years. Time हमने कितना given है, that is 3 years. Time is 1 upon 3 years. Clear? अब इसको क्या करेंगे, हम amount निकालना है. लेकिन हमारे पास में amount निकालने से पहले हमें क्या find out करने पड़ेगा, simple interest. क्योंकि हमें P given है, R given है, T given है, तो हमें ये कौन क्या find out करना पड़ेगा, interest. क्योंकि amount के लिए हमें interest की जरूरत पड़ेगी. Without interest how we calculate the amount? Clear? तो first we write simple interest is equals to P into R into T upon 100. Now we substitute the values, that is 2490 5 into T. हमारा इसको open करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये mixed में है इसलिए हम improper में करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 upon 3 years. और ये देंगे इस तरीके से, हाँ नीचे 4 upon 3. Now we cancel this 0 with this 0. अब ध्यान से हम इसको कट करेंगे, then 3 ones are, यहाँ पे हमने कर दिया 5 ones are 5, 5 twos are 10, फिर 2 ones are 2, 2 twos are 4. फिर हमने करा 3 ones are 3, 3 8s are 24 and 3 twos are 9. हमारे पास में ऊपर क्या बचा, 83 into 2. और नीचे कुछ भी नहीं है हमारे पास, नो अमाउंट. ठीक है, कुछ भी नहीं है नीचे, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. Then 2 3s are 6, 2 8s are 16. हमारे पास क्या आ गया, 166. Clear? Rupees 166. ये क्या आया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट. अब हम क्या करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. तो बच्चों अब अमाउंट के लिए हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अब हमारे पास में P प्लस आई है, तो प्रिंसिपल क्या गिवन है हमारे को, रुपीज 2490. एंड इंटरेस्ट क्या है हमारे पास में, 166. नाउ यू ऐड दिस. अब क्या करेंगे आप, इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 9 प्लस 6 15, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 एंड आवर आंसर कम्स 2656. दिस इज द अमाउंट. हमें इसमें अमाउंट कैलकुलेट करना था बच्चों. क्लियर ऑल ऑफ यू?